So hi and welcome to this another episode with me Arshi where we talk about colleges and universities abroad and in this episode I'm going to talk about the top 10 universities offering 100% ROI jab hum baat MBA ki kar rahe hote hain to bahut sare parameters hote hain kisi bhi B school ko shortlist karne ke liye but एक और बहुत important parameter होता है जो हर बच्चा पूछता है मैम ROI मिलेगा या नहीं मिलेगा return इन in investment मिलेगा या नहीं what is return इन in investment return on investment लेट्स से आपने किसी college के लिए दस

का एक्सेप्टेंस रेट है व्हेन कम्स टू दिस यूनिवर्सिटी जीपीए की अगर हम बात करें तो 3.77 प्लस का रिक्वायर्ड है एवरेज जी मैथ 685 सिक्स प्लस का है ट्यूशन फी सिक्सटी फाइव थाउजेंड सॉरी पाउंड पर ईयर्स वेरीज एवरेज सैलरी जो है वो एटी पाउंड पर ईयर की है इसी के साथ साथ तो दूसरी यूनिवर्सिटी है डेट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसका भी नाम आपने राइट फ्रॉम मेडिकल कोर्सेज टू एमबीए टू इवन अदर डिफरेंट कोर्सेज कहीं ना कहीं सुन रखा होगा बट आल्सो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आर ओ जैसे हमने लास्ट यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड देखी सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट का एक्सेप्टेंस है मतलब आपका अकेडमिक्स आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एस ओ पी बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड रहती हैं जब अप्लाई कर रहे होते हैं वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है एलिज से आपके पास अगर होता है वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपको लगता है कि मेरे लिए इससे बेटर ऑप्शन या

Uh, हमने बहुत सारी मूवीज़ में देख रखा है यूके में एक वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है दैट इज कॉल्ड लंडन जहाँ पे दे आर सो मेनी ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जाते भी हैं सो so, अगर हम बात करें इम्पीरियल कॉलेज लंडन की 1907 में स्टैब्लिश हुआ था पब्लिक है लंडन में लोकेटेड है फोर्टीन का एक्सेप्टेंस रेट है जी जो है वो थ्री प्लस रिक्वायर है जी मैट सिक्स प्लस का स्कोर है ट्यूशन फीस फिफ्टी सेवन पर ईयर है एवरेज

होना चाहिए जी में टेन प्लस का स्कोर रिक्वायर्ड है ट्यूशन फीस नाइनटी वन थाउजेंड पाउंड ईयर पर पड़ती पर है एवरेज सैलरी वन लाख नाइन थाउजेंड पाउंड पर ईयर है तो हम बात कर रहे थे किसकी हम बात कर रहे थे हंड्रेड परसेंट आर ओ आई की तो आप जितने भी कॉलेजेस देख रहे हैं फीस के कंपेरिजन जो एवरेज सैलरी है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा है उसी के साथ साथ एक और चीज़ जब हम अब्रॉड में कॉलेजेस अप्लाई कर रहे होते हैं तो दो दी ज्यादा टॉप बी स्कूल्स तो यहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है बट यूजुअली अब्रॉड में कॉलेजेस आर वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट प्लेसमेंट एजेंसीज वी आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारा काम है आपको क्वालिटी एजुकेशन देना प्लेसमेंट असिस्टेंस दे डेफिनेटली प्रोवाइड बट नॉट श्योरिटी लाइक हंड्रेड वाली चीज तो हम थे नेक्स्ट कॉलेज पे विच इज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन लंदन में ये लोकेटेड है 1826 का स्टैब्लिश है मतलब ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है पब्लिक कैटेगरी में है फोर्टी परसेंट का एक्सेप्टेंस रेट है जीपीए 3.3 प्लस का रिक्वायर्ड है जी मैथ प्लस ट्यूशन फीस सॉरी 500 पाउंड्स पर ईयर एवरेज साल भी सिक्सटी पाउंड पर ईयर कहीं ना कहीं पड़ती है एंड विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस लिस्ट इज बेसिकली ई एस सी पी बिजनेस स्कूल टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक बिजनेस स्कूल ये जो है वो प्राइवेट कैटेगरी में आता है 1819 का स्टेबलिश है पैरिस आई मीन नॉट एम एल इन पैरिस इट्स पैरिस राइट टेन परसेंट का सिर्फ एक्सेप्टेंस रेट है दैट मीन्स आप सोचो सो एप्लीकेशन में सिर्फ दस स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट इन टू दिस कॉलेज जीपीए जो है वो 3.2 प्लस का रिक्वायर्ड है जी मैट सिक्स सेवेंटी प्लस का स्कोर रिक्वायर्ड है ट्यूशन फीस फोर्टी सेवन थाउजेंड पाउंड पर ईयर है एंड एवरेज सैलरी सेवेंटी फोर थाउजेंड पाउंड ईयर कहीं ना कहीं पड़ती है विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस लिस्ट दैट इज बिजनेस स्कूल आई थिंक आई मीन सो मेनी बी स्कूल एंड आप कहीं ना कहीं इन बी स्कूल्स को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं 1907 का साबलिश है पाप प्राइवेट कैटेगरी में है राइट यू नो वी कॉल इट सर्जी राइट व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन जहाँ पे एक्जैक्टली ये लोकेटेड है 13.7 परसेंट का एक्सेप्टेंस रेट है 3.3 प्लस का जीपी रिक्वायर्ड है 6 10 प्लस का जी मार्ट एवरेज स्कोर है फीस 49,500 पाउंड्स पर ईयर है एवरेज सैलरी सेवेंटी टू पर ईयर कहीं ना कहीं पड़ती है एंड देन वी हैव हैक पैरिस इसका भी नाम आपने सुन रखा होगा राइट लंडन पैरिस आई ये नाम आई मीन आई थिंक वेरी फेमिलियस तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है जब कॉलेजेस देख रहे होते हैं तो अब्रॉड एजुकेशन में जाने का पहला रीज़न जो होता है एक यू नो डाइवर्सिटी और एक्सपोजर भी होता है तो so, वहाँ पे वन दे अप्लाई फॉर कॉलेज तो वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक लोकेशन को भी काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं सो so, अगर हम हैक पैरिस की बात करें भाई हैक पैरिस की बात करें जस्ट गिव मी अ सेकेंड ये हो गया है हैंग सो वी वर टॉकिंग अबाउट हैक पैरिस और अगर हम एक हैक पैरिस की बात करें प्राइवेट कैटेगरी में है 1881 एटी वन का स्टैब्बलिश तो कॉलेज है फ्रांस में लोकेटेड है सिर्फ 8 परसेंट का एक्सेप्टेंस रेट है तो मतलब आउट ऑफ हंड्रेड एप्लीकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स आर तो तो एबल टू मेक इट 3.2 प्लस का जी पी स्कोर रिक्वायर है जी मार्क्स प्लस ट्यूशन फीस सेवेंटी पाउंड पर ईयर एवरेज सैलरी वन वन फाइव वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड पर ईयर एंड देन वी हैव अनदर कॉलेज इनआलिसट इज लंदन बिजनेस स्कूल सो अगर हम लंदन बिजनेस स्कूल की बात करें गवर्नमेंट कैटेगरी में है परसेंट का एक्सेप्टेंस रेट है एवरेज फीस जो है वन लाख टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड पाउंड्स पर ईयर है एवरेज सैलरी वन लाख थर्टी थाउजेंड पाउंड्स पर ईयर आप ये सिर्फ फीस देख रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेज हैं विच इज अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस अपार्ट फ्रॉम यू नो आपके लिविंग एक्सपेंसिस ट्रेवल एक्सपेंसिस बहुत सारी चीजें हैं तो आप जब किसी भी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते इट्स नॉट ओनली अबाउट अब फीस इट्स ऑल्सो अबाउट यूर प्रोफाइल इट्स ऑल्सो अबाउट योर बजट एंड उसी के बेसिस पर कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर रहे होते हो एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम फी लाइक यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड ऑल यू नी टू डू इज डिज फॉर्म इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स